कि इसका जो गाड़ी है 2012 का गाड़ी है लाइफ टाइम टैक्स मतलब इसको कभी टैक्स देना नहीं होगा। 2018 का मॉडल है, VDI ऑटोमेटिक है। ये डीजल है, डीजल वेरिएंट। इसका जो कंडीशन है आप एकदम देख ही सकते हैं, ऐसा कंडीशन में गाड़ी मिलना बहुत ही मुश्किल है। 15 की मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। अच्छा? वो भी 15 की मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। 25 तक टैक्स है। इसका प्राइस हम रखने वाले 5,40,000। फर्स्ट ओनर है, 45,000 ड्रिवन है, एकदम मतलब शोरूम कंडीशन में आप बोल सकते हैं। गाड़ी में कुछ एक रुपया का भी कुछ काम नहीं है, चिल्ड एसी है, सब कुछ है, डबल एसी भी है। This is Movant. Big welcome to my channel Car Economy. I hope आप लोग सब अच्छे होंगे। So आज हम आपको दिखाने वाले हैं quality car reasonable price में। चलिए सर के साथ बात करते हैं, then देखते हैं आज का collection क्या होने वाला है। So आज हम लोग मतलब कारोबार नाम है हम लोग का शोरूम में। आज हम लोग बहुत यूनिक कलेक्शन लेके आए हैं। ऐसा जो कलेक्शन है हम लोग के पास मतलब बहुत कम जगह में मिलता है। अच्छा, मतलब आपको 20-22 लाख का गाड़ी भी मिल जाएगा। अच्छा, 20-22 लाख, 20-22 लाख का गाड़ी जो कि वैसे 1 करोड़ का है लेकिन छोड़ दे रहा है 20-22 लाख में। ओके, लेकिन हम लोग सेम चीज सेम प्रीमियम गाड़ी 2-2.5 लाख में भी छोड़ दे रहे हैं। Okay. तो यहाँ पे हर तरीके का गाड़ी है, पर ऐसा नहीं है कि नॉर्मल गाड़ी नहीं बेचते। बलिनो है, इग्निस है, ब्रेजा है, क्रेटा है, सब तरीके का गाड़ी हम लोग के पास मौजूद है। आइए आ जाते हैं, देखा दिखाते हैं हम लोग एक एक करके हर तरीके का गाड़ी क्या क्या मौजूद है। शोरूम का लोकेशन प्लीज शेयर कर दीजिए। शोरूम का लोकेशन बहुत ही आसान है, हम लोग का लोकेशन है सॉल्ट लेक 8 नंबर टैंक BL302। कैमरा को थोड़ा दिखाइए, यहाँ पे 302, 303 एंड 304, ये तीन प्लॉट हम लोग का यहाँ पे लिया हुआ है। बहुत ही इजी है, सॉल्ट लेक सेक्टर 2 8 नंबर टैंक के पास में है। करण नवाई से जस्ट 5 मिनट का डिस्टेंस में है। वेरी इजी, सॉल्ट लेक मेट्रो के यहाँ से सामने भी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे चहिता जो गाड़ी है उससे। ये जैगुआर है, जैगुआर XF है, 2016 का मॉडल है। 2026 तक टैक्स दिया हुआ है। फर्स्ट ओनर है, 73,000 ड्रिवन है विद सर्विस रिकॉर्ड। ये गाड़ी का मतलब जो कंडीशन है आप देख सकते हैं, बम्पर टू बम्पर एकदम ओरिजिनल पेंट में है। गाड़ी में 5 रुपया का कुछ काम नहीं है। अच्छा? गाड़ी एकदम शोरूम कंडीशन में है। इस गाड़ी का जो प्राइस हम रखने वाले हैं वो है 21 लाख रुपीज। ओनली 21 लाख रुपीज में 1 करोड़ का गाड़ी, एक करोड़ का गाड़ी आपको 21 लाख में हम छोड़ देंगे। Okay. और गाड़ी का जो इंटीरियर है, जो कंडीशन है, जो स्पोर्ट्स मोड है, ये एक्स्ट्रा फीचर्स आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये वैसे जैगुआर XF नॉर्मल वाला नहीं है, XF S मॉडल है। आप X बैजिंग देख सकते हैं। इसका दाम मार्केट में ऑन रोड प्राइस से 10 लाख ऊपर में बिकता था। मतलब ये जेन्युइनली 1 करोड़ का ही गाड़ी है जो हम 21 लाख में छोड़ दे रहे हैं। ओनली 21 लाख। प्राइस नेगोशिएशन थोड़ा बहुत कर देंगे, डेफिनेटली ऑन टेबल। Okay. कस्टमर आएगा तो डेफिनेटली कर देंगे। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, प्लीज फोन कीजिए, देन शोरूम विजिट कीजिए। कारोबार डेफिनेटली। ये हमारा दूसरा कलेक्शन है, मर्सिडीज ई क्लास है, E250 है, ड्रीम कार गाड़ी है। ये सेम जैगुआर और इसका सेम लेंथ है, बहुत ही बड़ा गाड़ी है। इसका प्राइस हम रखने वाले 6,40,000। ओनली 6,40,000 में हम 80-90 लाख का गाड़ी छोड़ दे रहे। अच्छा, 2010 का मॉडल है। ओके, 2025 तक टैक्स है इसका। इसका जो कंडीशन है एकदम आप देख सकते हैं, बम्पर टम्पर ओरिजिनल पेंट में है। 44,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है गाड़ी। ओनली 44,000 गाइस, 44,000 ड्रिवन है। इसका जो कंडीशन है मतलब कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में, मतलब एकदम प्रीमियम से प्रीमियम गाड़ी है। इसका जो गियर है मतलब लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से स्टीयरिंग के बगल से होता है। बहुत ही यूनिक फीचर है इसमें। तो नेक्स्ट जो गाड़ी है वो है ड्रीम कार ऑडी। बहुत लोगों का ड्रीम कार होता है ये, इसको दूल्हा गाड़ी भी बोल सकते हैं। व्हाइट कलर का गाड़ी है, ऑडी A4 है। नंबर भी देखिए कितना खास है, 7007। अच्छा, VIP नंबर, VIP नंबर है। इसका जो कंडीशन है मतलब आप खुद ही देख सकते हैं, कैमरा में थोड़ा अंदर बाहर दिखा भी सकते हैं आप लोग। जो इसका प्राइस होने वाला है बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसका जो गाड़ी है 2012 का गाड़ी है, लाइफ टाइम टैक्स है। मतलब इसको कभी टैक्स देना नहीं होगा। अच्छा? कभी भी नहीं देना होगा, लाइफ टाइम मतलब लाइफ टाइम, 2027 में जाके खत्म नहीं होगा, लाइफ टाइम टैक्स है। और इसका जो प्राइस होने वाला है 8,40,000। ओनली 8,40,000 में 60 लाख का गाड़ी आओ लेके जाओ। इतना कौन सा वेरिएंट प्राइस में नहीं दे पाएंगे। ऑडी A4 है इसका। okay. मतलब एकदम बम्पर टम्पर ओरिजिनल पेंट भी है। पेट्रोल ना डीजल? डीजल वाला, डीजल वेरिएंट। डीजल मतलब माइलेज 14 का एवरेज देती है गाड़ी, गारंटी के साथ, सर्विस रिकॉर्ड के साथ, 35,000 चली हुई है। ओके, ओनली 35,000 ड्रिवन। हां, सो नेक्स्ट मर्सिडीज, अगला धमाका के पास। एकदम किसी को प्रीमियम गाड़ी 3 लाख के अंदर चाहिए तो आके ले सकते हैं। 2.5 लाख रुपए में मर्सिडीज बेच रहे हैं। 2006 का यूनिट है, लाइफ टाइम टैक्स है, 2026 तक CF है। सेकेंड ओनर है, गाड़ी एकदम शोरूम कंडीशन है, बम्पर टम्पर ओरिजिनल पेंट है, गाड़ी में कोई काम नहीं है। ये गाड़ी को आप आओ आके 2,50,000 रुपीज में लेके जाओ। ओनली 2,50,000 है मर्सिडीज गाइस, मर्सिडीज।
ये है मारुति का ब्रेजा, 2018 का मॉडल है, VDI ऑटोमेटिक है। ओके, ये डीजल है, डीजल वेरिएंट। इसका जो कंडीशन है आप एकदम देख ही सकते हो, ऐसा कंडीशन में गाड़ी मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये हम रखने वाले, इसका प्राइस बहुत ही कम, 6,40,000 रुपीज, ओनली 6,40,000 VDI के दाम पे। VDI ऑटोमेटिक छोड़, एकदम VDI के दाम पे। ओके, आइए अगले गाड़ी पे। सो नेक्स्ट, और एक ब्रेजा, नेक्स्ट एक और ब्रेजा है हमारे पास, ये 2019 का मॉडल है। ओके, ये मतलब फर्स्ट ओनर है ट्रिप पे, ये है ब्रेजा मारुति का, मारुति ब्रेजा 2019 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, ZDI प्लस डुअल टोन है, डुअल टोन है, अलॉय व्हील्स है, आपका पुश स्टार्ट है, क्लाइमेट कंट्रोल AC है, सन पूरा ऊपर डुअल टोन में व्हाइट में है, सब कुछ है इस गाड़ी में, टच स्क्रीन है आपका, इसमें कोई फीचर नहीं है जो नहीं है, बैक कैमरा भी है। इसका प्राइस बहुत ही हम अट्रैक्टिव रखने वाले हैं, 7,30,000 में, ओनली 7,30,000, जिसका ऑनबोर्ड प्राइस एक टाइम पे था 12 लाख रुपया, 7,30,000 में आओ, आके ब्रेजा लेके जाओ एकदम। आते हैं अगले गाड़ी पे, ये है हमारा क्रेटा, दोनों सेम गाड़ी है, दोनों ही क्रेटा है, ये दोनों को एक साथ ही दिखा देते हैं क्योंकि हमारे पास बारिश भी आने वाला, टाइम कम है। तो ये 15 की मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, वो भी 15 की मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, 25 तक टैक्स है, दोनों का सेम टैक्स, दोनों ही 15 की मॉडल, दोनों ही फर्स्ट ओनर, दोनों ही 25 तक टैक्स, तो कलर भी डिफरेंट है, कलर थोड़ा डिफरेंट है बस और कुछ नहीं, दोनों ही 40-45 के आसपास ड्रिवन है, दोनों ही SX ऑप्शनल पुश स्टार्ट डीजल है। ओके, डिफरेंस एक ही है, ये मैनुअल है, वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है बोल के उसका दाम है 7,50,000, मैनुअल है बोल के इसका दाम है 7 लाख रुपीज, ओनली 7 लाख। ओके, आते हैं अगली गाड़ी पे, एकदम ये हमारा XUV500 2013 का मॉडल है, 2020 तक टैक्स दिया हुआ है, एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन है, मॉडिफाइड भी है, मिंट टू मिंट कंडीशन गाड़ी, एकदम मिंट कंडीशन है, ये देखो मॉडिफाइड, ये वाला जो ग्रिल बम्पर आता है ये 3,500 से 4,000 का बम्पर आता है, ऊपर में एक रूफ का रैक भी लगा हुआ है। ऐसा कंडीशन में गाड़ी आपको बहुत ही कम मिलेगा, इतना तगड़ा कंडीशन में। इसका प्राइस हम रखने वाले 5,40,000, ओनली 5,40,000, W8 XUV500 2013, टैक्स टिल 2028, इसका किलोमीटर चला हुआ है 56,000, बहुत ही कम चली हुई गाड़ी है, XUV500 1-1.5 लाख आराम से चल जाती है, सर्विस भी नहीं करना होता इस गाड़ी को, ऐसा कंडीशन में गाड़ी रहता है। इसका प्राइस में आपको कोई नहीं दे पाएगा, चैलेंजिंग प्राइस, एकदम चैलेंजिंग प्राइस, 5,40,000। आते हैं अगली गाड़ी पे, एकदम बहुत ही डिमांडिंग कार, अर्टिका, बहुत ही डिमांडिंग कार है, मारुति का फैमिली कार ही है, एकदम ये है 2013 का मॉडल, टैक्स है 2028 तक। ओके, इसका जो गाड़ी है वो इंजन जो है वो पेट्रोल है, फर्स्ट ओनर है, 45,000 ड्रिवन है, एकदम मतलब शोरूम कंडीशन में आप बोल सकते हैं, गाड़ी में कुछ एक रुपया का भी कुछ काम नहीं है, चिल्ड AC है, सब कुछ है, डबल AC भी है, 7-सीटर गाड़ी है। इसका प्राइस हम रखने वाले 4,40,000 रुपीज, ओनली 4,40,000 रुपीज, 13 की गाड़ी 28 तक टैक्स पेड है। आते हैं अगली गाड़ी की तरफ, ये हमारा इग्निस मारुति का 2018 का मॉडल है, 2020 तक इसका टैक्स दिया हुआ है, फर्स्ट ओनर है, इसका जो गाड़ी है ये ऑटोमेटिक है, जीटा मॉडल है, जीटा मॉडल, हाँ, ऐसा कंडीशन में गाड़ी आपको बहुत ही कम मिलेगा। ये वाला गाड़ी हम रखने वाला है प्राइस 4,80,000, ओनली 4,80,000 में। ओके, प्राइस नेगोशिएशन ऑन द टेबल, तो आप लोग आइए शोरूम विजिट कीजिए, शोरूम विजिट करना दैट इज इम्पोर्टेंट, कार को टेस्ट ड्राइव लीजिए और अच्छा लगा तो फैमिली मेंबर बना लीजिए, डेफिनेटली डेफिनेटली। आते हैं अगली गाड़ी की तरफ, बहुत ही डिमांडिंग गाड़ी है, बलिनो 2019 का मॉडल है, इसका जो है गाड़ी फर्स्ट ओनर है, 31,000 ड्रिवन है, ओनली 31,000 गाड़ी का जो आपका किलोमीटर है 31,000 ड्रिवन है, और इसका फर्स्ट ओनर भी है, बम्पर टम्पर गाड़ी ओरिजिनल पेंट है, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा, कलर भी बहुत ही अच्छा, इसका देखते हैं, मैजेंटा ब्लू बोलते हैं इसको। इसका प्राइस हम रखने वाले 5,80,000 रुपीज, 5,80,000 बहुत ही कम प्राइस है। ओके, आते हैं अगले गाड़ी की तरफ, एकदम ये है आपका मारुति का बलिनो, सेम गाड़ी है, ये अल्फा मॉडल है, एकदम टॉप मॉडल है, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट इसका भी है, इसका प्राइस हम बहुत ही कम रखने वाले हैं, 2016 का मॉडल है, 2026 तक टैक्स दिया हुआ है, अच्छा फर्स्ट ओनर है, इसका प्राइस हम रखने वाले 4,60,000 रुपीज, ओनली 4,60,000 रुपीज, ये आपका 2016 का मॉडल है, 26 तक टैक्स पेड है। ये बहुत ही यूनिक गाड़ी एक है, एकदम रेयर है, बढ़ना है, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 44,000 किलोमीटर ड्रिवन है, लेकिन इसमें जो यूनिक बात है वो है कि ये डीजल है, डीजल वेरिएंट, डीजल तो यूनिक होता ही है, उसके ऊपर एक और चीज है, ये ऑटोमेटिक डीजल है, अच्छा ऑटोमेटिक, ये मॉडल का वरना आपको ऑटोमेटिक में डीजल में नहीं मिलेगा, अच्छा? मिलेगा तो आइदर मैनुअल मिलेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, नहीं तो डीजल मैनुअल मिलेगा। ओके? ये वाला डीजल ऑटोमेटिक है, बहुत ही अच्छा माइलेज देती है, किसी को गाड़ी सीखना हो तो वो ऐसा गाड़ी ले सकते हैं, 2009 का मॉडल है,
इसका प्राइस हम रखने वाले 2 लाख रुपीज ओनली। ओनली 2 लाख रुपीज शोरूम में सबसे चीपेस्ट गाड़ी है। 2 लाख 199 कर दीजिए। चलिए 199 में आपके लिए छोड़ देंगे। 199 में हम छोड़ देंगे। ओके है मर्सिडीज सी क्लास। ओके ये C250 है। लोगो ही काफी है। लोगो ही काफी है। बड़ा वाला मर्सिडीज है, छोटा वाला नहीं है। 2010 का मॉडल है। लाइफटाइम टैक्स है। लाइफटाइम टैक्स है। 2030 तक टैक्स इसका वैलिड है। अच्छा, इसका प्राइस हम रखने वाला 4,40,000 रुपीज। ओनली 4,40,000 रुपीज। 44,000 किलोमीटर चली है। 44,000 चली भी है, प्राइस भी 44,000 ही होने वाला है। तो आ जाइए, ये वाला गाड़ी लेके जाइए। सनरूफ है, पेट्रोल है, मैनुअल है, V6 इंजन है, 6 सिलेंडर इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन है। ऐसा इंजन मिलेगा नहीं कहीं पे। आइए लेके जाइए। आते अगले गाड़ी की तरफ। नेक्स्ट हमारा सबसे होंडा गाड़ी, होंडा का गाड़ी है, होंडा सिटी है। 2017 का मॉडल है। 2027 तक इसका टैक्स है। ओके, फर्स्ट ओनर है। 32,000 ड्रिवन है। ओनली 32,000 ड्रिवन है। ये बल्कि सेलिब्रिटी ड्रिवन गाड़ी है। जेसिका जोन्स इसके ओनर थे। ब्रिजेट जॉनसन फैशन जो हमारे सलोन है। अच्छा। उसका जो ओनर है उनका खुद का गाड़ी था, ये खुद ही चलाते। अच्छा। थे वो। तो गाड़ी का जो कंडीशन आप देख सकते हैं, एकदम बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेड में है, एकदम बढ़िया कंडीशन में है। सनरूफ भी है, पेट्रोल गाड़ी है, मैनुअल है, सनरूफ भी है, सब कुछ है गाड़ी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो प्राइस इसका रखने वाला, प्राइस बोलना भूल गया, एक्सट्रीमली सॉरी, प्राइस इसका रखने वाले हम 6,99,000 ओनली 6,99,000 में 17 लाख की गाड़ी आके ले जाइए। 17 लाख की गाड़ी है वैसे। So last but not the least, बहुत ही डिमांडिंग कार, इंडियन जी वैगन बोलते हैं बहुत लोग इसको। अच्छा, ये मारुति महिंद्रा का बोलेरो है, एकदम 2012 का मॉडल है, डीजल है, फर्स्ट ओनर है, 72,000 ड्रिवन है। बोलेरो 72, एग्जैक्टली बोलेरो का 72 बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये सब गाड़ी 2-3 लाख 4 लाख आराम से चल जाती है। 2027 तक इसका टैक्स भी दिया हुआ है। इसका प्राइस हम बहुत ही अट्रैक्टिव रखने वाले, इसलिए लास्ट के लिए बचा के रखे। 3,40,000 में हम बोलेरो छोड़ देंगे। 2012 की गाड़ी, 2027 तक टैक्स। ओनली 3,40,000 धमाके के साथ खत्म करते हैं। प्राइस नेगोशिएशन ऑन द टेबल, ऑन द टेबल डेफिनेटली। आप लोग आइए शोरूम विजिट कीजिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। दिखा दिया एकदम एकदम। अब बात है कि सारा गाड़ी दिखाने के बाद बहुत सारे डीलर लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप आओ गाड़ी लेके जाओ और आप गेट से बाहर निकलोगे आपको हम भूल जाएंगे। ऐसा नहीं करते हम लोग। हम हर गाड़ी बेचने के बाद हर गाड़ी का 3 फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 3 फ्री सर्विस। हमारा खुद का वर्कशॉप है जहाँ में गाड़ी आप लेके जाइए, सर्विस करवाइए। सर्विस जो चार्ज रहेगा वो चार्ज आपका एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, वो हम लोग का गैरेज से ही होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आइए। और हम लोग पैन इंडिया लोन प्रोवाइड करते हैं। हम लोग पैन इंडिया लोन के साथ साथ हम लोग पैन इंडिया डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं। पैन इंडिया लोन प्लस पैन इंडिया डिलीवरी। डिलीवरी के लिए हम लोग 10,000 से 15,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट जैसा आप लेंगे। तो हमारा लोकेशन बहुत ही आसान है, आइए और मैडम को सब्सक्राइब कीजिए, मैडम के चैनल को लाइक कीजिए, ताकि उनका भी चैनल बढ़े, उनका भी व्यूज बढ़े, उनका भी एक्सपोजर बढ़े और हमारा भी थोड़ा कस्टमर बेस बढ़े, यही चाहते हैं। इस बोलने के साथ हम लोग इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू।